हेलो गाइज, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए करेले की रेसिपी। तो करेले की सब्जी आज हम बनाएंगे मेरे तरीके से। तो ये मैंने आधे किलो करेले लिए थे और इनको अच्छे से धो के काट के रख लिया था। इसमें नमक लगा के मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से 5 से 6 बार वॉश किया, क्योंकि नमक अगर रह जाएगा तो सब्जी में आपका नमक हो जाएगा तेज। तो उसको अच्छे से निकाल दिया। काटने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई किया है। आप अपने हिसाब से फ्राई कर लेना कि ज़्यादा टाइट ना लगे, कई लोग सॉफ्ट खाते हैं तो वो देख लेना। उसके बाद उसी तेल में मैंने कड़ी पत्ता लिया, धनिया लिया, राई लिया, जीरा लिया, साबुत धनिया, कलौंजी और अजवाइन। इसका मैं छौंक लगाऊंगी। मैं इतना सारा मसाला ही डालती हूँ क्योंकि ये सारा अचार का मसाला होता है तो ना बहुत ही टेस्टी लगता है एक दो सब्जियों में, तो मैं इसमें करेले में ज़रूर डालती हूँ। तो उसके बाद मैंने इसमें 4 प्याज लिए, बड़ी वाली, ठीक है, क्योंकि इसमें प्याज भी बहुत अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा प्याज होगा उतना अच्छा होगा। तो प्याज ब्राउन होने तक मैंने इसमें फिर डाल दिए करेले। अभी मैंने लिया अमचूर, नमक, धनिया, लाल मिर्च और हल्दी। उसके बाद मैं इन सबको मिला दूंगी अच्छे से। मिलाने के बाद अमचूर ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। हमारी सब्जी है रेडी। कैसी लगी आपको मेरी करेले की सब्जी? तो मेरे करेले की सब्जी ना कभी भी कड़वी नहीं होती, अगर मेरे तरीके से ट्राई करना।